तो हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम आपको लाए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एमरॉन का यहाँ पे वॉच है जो मेरे को अमेजोन से मैंने परचेज़ किया था। तो आप इसका अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से डायरेक्टली इसका अनबॉक्सिंग वीडियो देख सकते हैं कि कैसे मैंने इसको अनबॉक्स किया है। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि इस घड़ी को मोबाइल से कैसे कनेक्ट करेंगे और इस घड़ी का जितना भी फीचर रहता है वो सारा का सारा चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस घड़ी का हर एक फीचर में आपको डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा और इस घड़ी का प्राइस भी बताऊंगा कि कितना मिलता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस घड़ी का बॉक्स आपको जो मिला होगा उस बॉक्स पे आपको यहाँ पे एक क्यूआर कोड मिला होगा जो यहाँ पे देख सकते हैं। इस क्यूआर कोड को सिंपली से अपने फ़ोन से स्कैन कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे अपने फ़ोन से स्कैन कर ले रहा हूँ। स्कैनर यहाँ पे अपने फ़ोन का खोल लेना है, जैसे यहाँ पे स्कैनर खोलिएगा, खोलने के बाद ही आपको यहाँ पे जो भी क्यूआर कोड रहेगा उसको यहाँ पे स्कैन कर लेना है। जैसे स्कैन करेगा उसके बाद यहाँ पे एक लिंक आएगा, तो सिंपली से इस लिंक पे आपको यहाँ पे से क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करिएगा, क्लिक करते ही आप लोग यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा तो आपको यहाँ पे कैंसिल कर लेना है, नहीं तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली प्ले स्टोर में लिया देगा। उसके बाद आपको यहाँ से एप्स होगा उसका डा फिट, सिंपली से इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली से आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करिएगा, ओपन करते ही आपको यहाँ पे परमिशन कुछ मांगेगा तो सिंपली से इस परमिशन को अलाउ कर लेना है। उसके बाद से करना क्या है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं एड टू, सिंपली से यहाँ पे एड टू पे जैसे ही क्लिक करिएगा उसके बाद से आपका कोई भी परमिशन मांगेगा सिंपली से आपको अलाउ कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सर्चिंग यहाँ पे कर रहा है वॉच, तो फाइनली हम यहाँ पे सर्च कर लिया है तो सिंपली से इस पर एक टैप कर लेना है। जैसे आप लोग यहाँ पे एक टैप करिएगा उसके बाद से मेरे घड़ी जो है वो कनेक्ट हो चुका है। तो आप लोग जैसे इस घड़ी का ऊपर के साइड में से इधर स्किप करिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे घड़ी जो है मेरे सक्सेसफुल यहाँ से कनेक्ट हो चुका है मेरे फ़ोन से। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप दिन भर में कितना चले हैं वो सारा चीज़ यहाँ पे स्टेप बताएगा। उसके बाद से यहाँ पे स्लीपिंग मोड है, वो स्लीपिंग मोड बताएगा, हार्ट बीट बताएगा, उसके बाद से बीपी बताएगा, आपका ब्लड प्रेशर और ब्लड ऑक्सीजन आपको जो भी इसमें देख सकते हैं बहुत सारा फीचर दिया गया। और यहाँ पे आइएगा तो आपको यहाँ पे मिलता है देख सकते हैं वॉच फेसेस जो आपको यहाँ पे घड़ी का वॉलपेपर है और वहाँ पे से आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइएगा तो आपको 6 टाइप का यहाँ पे वॉल फेसेस आपको देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे इस फेस को लगाना चाहता हूँ 6 नंबर को, तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करिएगा देख सकते हैं फाइनली लग चुका है। फिर जैसे ही इस पर आप लोग क्लिक करिएगा, क्लिक करते ही यहाँ पर मतलब 2 या 3 सेकंड में यहाँ पे आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 5 नंबर में, तो 5 नंबर में आइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहाँ से चाहते हैं तो अपना यहाँ पे फोटो है आया कुछ भी अपना पर्सनल जो भी लगाना चाहते हैं आप वहाँ से आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आइएगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट पिक्चर, तो आपको यहाँ से जैसे आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करिएगा उसके बाद से आपके मोबाइल में जो भी पिक्चर रहेगा वो आ जाएगा। तो सिंपली से आपका मोबाइल का जो भी पिक्चर रहेगा उसको ले लेना है, लेने के बाद से आप लोग जो भी लगाना चाहते हैं उसको लगा लीजिएगा। लगाने के बाद से यहाँ पे साइन का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली से इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं घड़ी का वहाँ पे व्हाइट कलर का है, तो आप कुछ चाहते हैं कि ब्लैक हो जाए तो आप लोग यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो घड़ी है वो जो टाइम दिखा रहा है वो आपको नीचे एक साइड में आपको चाहिए तो बिल्कुल आसानी से आपको यहाँ पे देख सकते हैं टाइम पोजिशन आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपली से यहाँ पर टाइम पोजिशन को क्लिक कर लेना है, अवेलेबल है और ब्लू का ऑप्शन आ रहा है तो सिंपली से आपको नीचे वाले में आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद सिंपली से आपको यहाँ पर डाउन कर देना है, तो देख सकते हैं यहाँ पर टाइम है वो ऊपर था यहाँ पर नीचे आ कर चुका है। तो ऐसे ही करके आप लोग यहाँ पे जो भी इसमें का फीचर दिया है वो आप लगा सकते हैं। तो इसमें का कई सारे बहुत सारा कलर है तो आप जो भी चाहें वो लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे येलो लगा रहा हूँ। उसके बाद सिंपली से आपको क्या करना है, सेव कर लेना है। जैसे आप लोग सेव करिएगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसमें यहाँ पर मेरा घड़ी में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना है, ट्रांसफ़र होने दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे वॉच फेस वहाँ पे सिंपली से मेरे घड़ी में वो आ चुका है, लेकिन आप चाहते हैं किसी और वॉलपेपर को लगाने के लिए पर देख मोर वॉच फेसेस, तो सिंपली से जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे 100 से ज़्यादा आपको वॉच फेसेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरा नेटवर्क वो स्लो है इसीलिए यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है खुलने में,
तो इसमें आपसे बहुत सारा वॉच फेसेस आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसमें से भी लगा सकते हैं। तो और इसमें देखिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो जैसे आप यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करिएगा उसके बाद से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फ़ोन का ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके मोबाइल पे कोई सा भी कॉल आए तो आपके घड़ी में शो हो, तो यहाँ से आप इनेबल कर दीजिएगा। जैसे आप लोग यहाँ पे इनेबल करिएगा उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं कुछ परमिशन मांगेगा कॉन्टेक्ट के लिए, तो सिंपली से आपको यहाँ पे अलाउ कर लेना है। फिर से आपको जो भी परमिशन मांगेगा वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे अलाउ कर लेना है। उसके बाद से आप चाहते हैं कि मैसेज भी आपके घड़ी पे, वो जो भी आपके मैसेज आए वो आपके घड़ी पे जाए, तो सिंपली से इसको भी यहाँ पे इनेबल कर लेना है। उसके बाद से चाहते हैं कि अगर आपके फेसबुक पे कोई सा भी मैसेज आए तो आपके घड़ी पे शो हो, तो आप इसे भी इनेबल कर ले सकते हैं। तो देख सकते हैं इनेबल करने के लिए इसमें भी एक और परमिशन मांगेगा, तो इसे भी इनेबल कर लेना है। इसे इनेबल करने के लिए देख सकते हैं इसे नॉट अलाउड है, तो सिंपली से इसे अलाउड कर लेना है। तो सिंपली से फिर से यहाँ पे अलाउ कर लेना है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भी अलाउ कर लिया है। उसके बाद से फिर से बैक चलाना है। बैक आने के बाद देख सकते हैं फाइनली मेरे को यहाँ पे अलाउ हो चुका है। अगर आप चाहते हैं व्हाट्सअप के लिए तो व्हाट्सअप भी यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं। उसके बाद से आप देख सकते हैं अलार्म, सिंपली से आप चाहते हैं कि अलार्म आपके घड़ी में बजे तो आप अलार्म भी यहाँ से आप अपने हिसाब से चाहते हैं तो आप यहाँ से अलार्म भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे अलार्म लगा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेव कर लेना है। जैसे आप लोग यहाँ पे सेव करिएगा देख सकते हैं घड़ी में है वो अलार्म लग चुका है। ये जो अलार्म है वो मोबाइल के लिए नहीं है, घड़ी के लिए है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे शूटर का ऑप्शन आ रहा हुआ है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे कैमरा के लिए है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे अलाउ कर लेना है इसको भी। देख सकते हैं कैमरा को मैंने अलाउ कर दिया है। उसके बाद से जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करिएगा तो देख सकते हैं मेरे मोबाइल में यहाँ पर टाइम चलने लगा, और मैं देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे मोबाइल रख दिया हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे घड़ी को टिपिंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मेरा कैमरा है वो ऑन हो जाएगा और यहाँ पे फोटो है वो खींचा जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फेवरेट कॉन्टेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली से आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेगा उसके बाद से आप देख सकते हैं ऐड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद से देख सकते हैं मेरे मोबाइल में एक कॉन्टेक्ट है, तो सिंपली से इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करिएगा, क्लिक करते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन का ऑप्शन हो गया है। उसके बाद से यहाँ पर डाउन कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर डाउन करिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरे घड़ी में है वो कॉन्टेक्ट सेव हो चुका है। उसके बाद से फिर से आपको यहाँ पे डाउन का ऑप्शन आ रहा होगा, सिंपली से इसे डाउन कर देना है। जैसे डाउन करिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे घड़ी में अपलोड होने लगा और मेरे घड़ी में सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। उसके बाद से आप नीचे स्किप करिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं अदर्स का ऑप्शन आ रहा है। तो अदर्स में आइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पे फाइंड डिवाइस और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें से आप जो भी इनेबल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकते हैं हार्ट बीट रीडिंग एंड देख सकते हैं आप चाहते हैं हार्ट बीट रीड करने के लिए तो आप यहाँ से हार्ट बीट रीड करा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा 5-5 मिनट पे ऑटोमेटिक हार्ट रीड होए, तो यह उसके बाद यहाँ पे इनेबल करके यहाँ पे डाउन कर लेना है। ये ऑटोमेटिक आपके घड़ी 5-5 मिनट पे आपका हार्ट बीट है वो माप लेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कंट्रोलर फोन म्यूजिक आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं कि आपके घड़ी में जो भी म्यूजिक बजे तो आप घड़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज है वो यहाँ पे बैटरी सेव मोड है, तो आप इसे चाहते हैं तो लगा सकते हैं। उसके बाद से देख सकते हैं ऑटो क्लॉक आप इसे भी इनेबल कर सकते हैं चाहते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक साइड में आप स्किप करेगा तो आप देख सकते हैं रिमाइंडिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो आप चाहते हैं वाटर रिमाइंडिंग के लिए तो वहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया कि इसमें क्या क्या रहता है। तो अब आते हैं अपने घड़ी में देखते हैं क्या क्या फीचर मिलता है। तो घड़ी में सबसे पहले आप इधर के से नीचे से स्किप करिएगा तो इसमें बहुत सारा यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद से जैसे ही इसे आपको यहाँ पर डबल टैप करिएगा उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं इसका फंक्शन है वो सारा चीज़ यहाँ पे चेंज हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप अदर्स में आइएगा आपको यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ब्राइटनेस है, ऑटो क्लॉक है, वॉच फेसेस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेनू है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं वॉच फेसेस पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप यहाँ से बहुत सारा वॉच फेसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप इसमें से जो भी लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। तो इसमें का सारा चीज़ आप लोगों ने देख लिया कि अगर इसमें कौन सा फंक्शन किस तरह काम करता है आप लोगों ने सारा चीज़ देख ही लिया है। आप इसका अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, तो आप वहां से जाकर इसका अनबॉक्सिंग वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से फटाफट से जाइए और उसका वीडियो को देखिए कि मतलब क्या क्या उसमें मिलता है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।